हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूं द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। हम आ चुके हैं द पार्ट टू ऑफ चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और आज हम समझेंगे ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है। देखो, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, ये जो अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं, इनको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, एक अकाउंटिंग कंसेप्ट और दूसरा अकाउंटिंग कन्वेक्शन। अब ये अकाउंटिंग कंसेप्ट में भी दो तरीके से होते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है अदर अकाउंटिंग एजम्पशन। क्या फर्क है दोनों में और क्या होते हैं फंडामेंटल, गोइंग कंसर्न, कंसर्न एक्विरल। आज की क्लास में आप इसमें एक्सपर्ट बन जाओगे, तो लेक्चर एंड तक जरूर देखना। चलो देखते हैं, सबसे पहले अपन ये जान लेते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होता है। तो देखो बच्चों, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन वो एजम्पशन होता है जो मैं अज्यूम करता हूं कि हर कंपनी फॉलो करेगी करेगी। मतलब इसमें कोई डिस्क्लोजर नहीं देना, क्या वो छोटी कंपनी हो क्या वो बड़ी कंपनी हो, मैं एज्यूम करूंगा कि ये हर कंपनी फॉलो करेगी करेगी। जब तक वो कंपनी मुझे डिस्क्लोजर में नहीं देगी नीचे कि हम ये फॉलो नहीं कर रहे, मैं ये एज्यूम करूंगा कि सब ने कंपनी ने फॉलो किया है। जैसे अगर मैं अगर मन में ये सोचूं कि स्कूल के बच्चे हमेशा यूनिफॉर्म में होते हैं, ये मेरा पहले से ही एजम्पशन है कि हाँ भैया यूनिफॉर्म में ही आएंगे। कोई बच्चा अगर यूनिफॉर्म में नहीं आएगा तो उसको लिख के देना पड़ेगा कि आज मैं यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा। सेम वे अगर कोई कंपनी कोई फॉलो नहीं कर रही है ये तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, तो उसको लिख के देना पड़ेगा भैया हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या होते हैं? दस दो एजम्पशन विच आर प्रिज्यूम टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द एनुअल अकाउंट। मतलब हम एज्यूम करते हैं कि हर कंपनी फॉलो करेगी, क्या वो छोटी हो क्या बड़ी हो, सब कंपनी फॉलो करेगी। दो एंटिटी व्हिच डोंट फॉलो इट हैव टू डिस्क्लोज। जो कंपनीज नहीं फॉलो कर रही फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, उसको बकायदा लिखना पड़ेगा अपनी बैलेंस शीट और रिपोर्ट कार्ड के अंदर, एनुअल रिपोर्ट में, कि भैया हम ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो कौन कौन से तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रुअल कंसेप्ट। तीनों में फर्क क्या है? चलो अब एक एक करके डील करते हैं, क्यों आपको जंप मारना है, धीरे धीरे करेंगे ना। गोइंग कंसर्न आज के लेक्चर में तीनों बता दूंगा, आपको अकाउंट में एक्सपर्ट बना दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाना, आप लाइक करते हो मुझे मोटिवेट मिलता है और आप एंड तक देखते हो और भूल जाते हो लाइक करना। लाइक करो ना यार अगर अच्छा लगा तो। चलो, व्हाट इज अ गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल? ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या होता है? As per this assumption, it is assumed that business will continue for the foreseeable future and there is no intention to close down the business. मतलब मैं जब भी कोई business start करता हूँ तो ये मैं assume करता हूँ, ये मेरे मन में एक assumption होती है हर company की, कि business हमेशा चलता रहेगा जितना मैं forecast कर सकता हूँ। तो normally मुझे लगता है अगर मैं business चला रहा हूँ, आज मैं accounts बना रहा हूँ, तो मैं ये सोच के बनाऊंगा कि हाँ मेरी जो company है वो अगले 5-6 साल आराम से चलेगी। मैं कितने साल सोच सकता हूं, 5-6 साल तक मुझे लगता है कि यार कंपनी चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो मुझे ये एक बिलीफ होना चाहिए कि मेरी कंपनी बंद नहीं होने वाली, अगले 1-2-3 साल में बंद नहीं होने वाली। तो मैं ये एजम्पशन लेके चलूंगा कि हाँ मेरी कंपनी फोर्सेबल फ्यूचर, फोर्सेबल मतलब जितना आप देख सकते हो, जितना आपको लगता है कि हाँ चलेगी। बट ऑब्वियस फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, फ्यूचर में कुछ भी बंद हो सकती है, कोई भी कंपनी बंद हो, बड़ी बड़ी नहीं बंद हो गई है। बट मुझे जब मैं अकाउंट बना रहा हूं, ये मेरा एक एजम्पशन रहता है कि मेरी जो बिजनेस है वो हमेशा चलता रहेगा। अभी ऐसा मेरे बिजनेस में कुछ नहीं हो रहा है जिससे मुझे लगे हाँ शायद बिजनेस बंद हो जाएगा। ओके, ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ एज्यूम इट इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। मतलब मैं एज्यूम करूंगा कि मेरा बिजनेस चलता रहेगा, बंद नहीं होने वाला, और इसी कारण वर्ष मैं कैपिटल और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में फर्क कर पाता हूं। सोचो ना, मैंने एक लैपटॉप लिया, उसकी लाइफ मैंने एजम्पशन ली 5 साल चलेगा लैपटॉप। अरे कब 5 साल मैंने सोचा, मेरा बिजनेस भी तो 5 साल चलना चाहिए ना। तो भाई मैं एज्यूम कर रहा हूँ हाँ मेरा बिजनेस 5 साल चलेगा और इस खर्चे को मैं 5 साल में डिवाइड कर सकता हूँ एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही काम आता है, और हर कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनी होती है, वो ये 100% होता है उनके मन में एजम्पशन होता है कि हमने गोइंग कंसर्न है। उन्होंने नीचे लिखा हो या नहीं लिखा हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम एज्यूम करेंगे उसने वो ये कंपनी चलती रहेगी। हाँ, अगर कंपनी को लग रहा है 1% भी लग रहा है मेरी
कंपनी शायद अगले साल बंद हो सकती है, मैं अभी बहुत जबरदस्त लॉस में चल रहा हूँ और मुझे मेरा इंटेंशन है कि भैया मैं बिजनेस वाइंड अप कर लूँ। भाई मैं सपोज करो बनाता हूँ सीडी, वो सीडी होती ना डीवीडी टाइप, और मुझे पता चल गया यार ये डीवीडी कोई नहीं खरीदता, आजकल तो लोग पेन ड्राइव का जमाना है, गूगल ड्राइव का जमाना है, कौन डीवीडी खरीदेगा। मुझे लग रहा है मेरा डीवीडी का बिजनेस बंद होने वाला है, ओहो खत्म खत्म। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है तो मैं नीचे लिखूंगा कि मैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं फॉलो कर रहा हूं, अगर नहीं लिखा तो एज्यूम करूंगा। तो जो भी कंपनी को लग रहा है कि हाँ मैं नहीं फॉलो करने वाला, वो खत्म, वो लिखेगी नीचे कि मैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन नहीं फॉलो कर रहा हूं। क्लियर है? मैंने आपको एग्जाम बताया, लैपटॉप लिया मैंने, 4 साल की लाइफ है तो यहां पे हो जाएगा। चलो टेस्ट करें अपने आपको, एज पर द गोइंग कंसर्न एजम्पशन बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट कितने साल, 5 साल, 2 साल, लॉन्ग पीरियड 10 साल, लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग मुझे लंबे साल तक मेरा बिजनेस चलता रहेगा, कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं होती है, हाँ मुझे लंबे साल तक चलता रहेगा। क्लियर है? ओके। व्हेन कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंपनी का जो एसेट की जो वैल्यू होती है ना वो जब कम हो जाती है, उसको मैं डेप्रिसिएशन बोला हूँ। हर मैं जैसे लैपटॉप है, मैंने 1 लाख का लैपटॉप लिया, हर साल उसकी वैल्यू 20,000 कम होगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसको डेप्रिशिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? वो डेप्रिशिएट हो रहा है। तो जब मैं डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करता हूँ तो कौन सा कंपनी प्रिंसिपल फॉलो करती है, कहाँ गया उसका, कौन सा कंपनी प्रिंसिपल फॉलो करती है, वो फॉलो करती है गोइंग कंसर्न। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा कंपनी फॉलो करती है गोइंग कंसर्न फॉलो करती है। समझ में आ गया कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है, गोइंग कंसर्न। ओके, व्हाट इज अ कंसिस्ट, गोइंग कंसर्न समझ में आ गया। कंसिस्टेंट प्रिंसिपल क्या होता है, देखो बड़ा सिंपल है, एज पर द कंसिस्टेंट अजम्पशन अकाउंटिंग कंसेप्ट वन सेलेक्टेड एंड एडॉप्टेड शुड बी अप्लाई कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। अगर मैंने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो कर लिया तो मैं एज्यूम करूंगा कि मैं हर साल फॉलो कर रहा हूं। पर मतलब समझ में नहीं आया, एग्जाम्पल समझ आएगा, पर आप एग्जाम्पल दिया करो। चलो एग्जाम्पल देता हूं, देखो ये कंपनी है रिलायबल पेन लिमिटेड, 2021 में इसका नेट प्रॉफिट 100 करोड़ था, 2022 में इसका नेट प्रॉफिट हो गया 120 करोड़। आप बोलोगे वल्ले वल्ले, 100 का 120 करोड़ हो गया, कंपनी तो ग्रो कर रही है, कंपनी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। सर पहले 100 करोड़ कमाती थी, अब 120 कमाती है, ज्यादा कमा रही है सर। हाँ, पर आपने एक बात नोट नहीं की, यहां पे ये सेम कंपनी इस साल एक डेप्रिसिएशन का एक मेथड होता है SLM मेथड, अभी आप उसमें मत पढ़ो ये मेथड क्या होता है, पर ये मेथड होते हैं अलग अलग, ये एक रूल फॉलो कर रही थी, बट अगले साल उसने ना एकदम से रूल चेंज कर लिया और यहां पर WDV मेथड फॉलो कर लिया। मतलब यहां पे अलग रूल, यहां पे अलग रूल, तो भैया प्रॉफिट तो अलग आएगा ही आएगा, लॉ ने कहा नहीं, गलत बात है, गलत बात है। दोनों को आपको सेम रूल फॉलो करना चाहिए, अगर आपने एक रूल फॉलो किया है तो अगले साल भी वही रूल फॉलो करना है। अरे यार एक बात बताओ, मेरा फ्रेंड बोले कि मैं जयपुर में रहता हूं कि मैं मुंबई से जयपुर 18 घंटे में आता हूं गाड़ी के अंदर, क्या होता है गाड़ी के अंदर, और अगले दिन बोलता है मैं तो 2 घंटे में आ गया। मैंने कहा है लास्ट टाइम बोला 18 घंटे, 2 घंटे में गाड़ी में आ गया, उसने वो बता नहीं भूल गया, अरे इस टाइम मैं प्लेन से आया हूं। मैंने कहा बता तो सही, पहले तू गाड़ी में आया अभी तू प्लेन में आ रहा है, दोनों में फर्क है ना, बता तो सही। यहां पे भी वही कंसेप्ट है कि अगर आप रूल चेंज कर रहे हो, पहली बात तो रूल चेंज रोज अलाउड नहीं है, हर साल आप चेंज नहीं कर सकते, और अगर आप रूल चेंज करो तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अपने इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा। तो देखो मैंने 100 करोड़ प्रॉफिट है, गवर्नमेंट ने कहा नहीं रूल मत चेंज करो, तो देखो अब अगर सेम रूल करता हूं, यहां पे भी SLM, यहां पे भी SLM मेथड, ये मेथड पे मत जाओ कौन सा मेथड है, तो यहां पे मेरा नेट पर 100 करोड़ आ रहा है और इस मेथड से मेरा प्रॉफिट 90 आ रहा है 2022 में। अब आपको समझ में आया, मेरी कंपनी घिर रही है, मेरी कंपनी घिर रही है, मेरी कंपनी की वैल्यू, मेरी प्रॉफिट कम हो रहा है, देखो सेम मेथड फॉलो करता हूं तो अब आपको इससे डिसीजन ले सकते हो ना, हाँ ये कंपनी थोड़ी खराब चल रही है तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम रूल। तो अगर आप कंसिस्टेंसी फॉलो करोगे, एक अगर कोई रूल फॉलो कर रहे हो तो हर साल वही फॉलो करोगे, अगर इस साल CBSE के हो तो अगले साल भी CBSE के, उसके अगले CBSE को CBSE से कंपेयर करोगे। रूल चेंज नहीं कर सकते हर साल, कंसिस्टेंसी एलिमिनेट द पर्सनल बायर। कंसिस्टेंट मतलब लास्ट टाइम SLM फॉलो किया ना, इस साल भी SLM फॉलो कर रहा हूं, ये मुझे हर साल चेंज तो नहीं करता रहूंगा, अरे आज उस टाइम SLM, आज ये इससे प्रॉफिट ज्यादा का ये फॉलो करूं, नहीं भाई साहब ये सब सिस्टम नहीं होता है। क्लियर है? समझ में आ गया? हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट द कंपनी कैन नॉट चेंज,
कंपनी रूल चेंज कर सकती है। मैंने आपको कहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल है, बड़ा रिजिड विजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल वो चेंज कर सकती है, पर कब चेंज कर सकती है? व्हेन इट कैन चेंज। देखो तीन कंडीशन है जहां पे अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज कर सकती है। पहली बात, लॉ ने बोल दिया भैया चेंज करो। लॉ ने बोल दिया भाई साहब आपको एफएलएम, आप हर साल एफएलएम फॉलो करते थे ना, लॉ ने बोल दिया भैया एफएलएम आजकल चलता नहीं है, डब्ल्यूडीबी फॉलो करो। लॉ ने बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, गवर्नमेंट ने, उस आईसीआई ने बोल दिया कि अब आप ये फॉलो ही नहीं कर सकते। तब तो मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है, तब मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ नहीं मैं तो हर साल ये फॉलो करता हूँ मैं अभी भी फॉलो करूंगा। नहीं भाई साहब, गवर्नमेंट ने बोल दिया या लॉ बन गया यही फॉलो करना है तो आपको यही फॉलो करना पड़ेगा, तब आप चेंज कर सकते हो। दूसरा, द चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन। अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैं ये रूल चेंज करता हूं और मेरा प्रॉफिट ज्यादा सही तरीके से आता है, ट्रू पिक्चर आती है, ट्रू एंड द फेयर पिक्चर आती है, तो मैं ये चेंज कर सकता हूं। समझ नहीं समझ में आया? सुनो, मेरे को, मैंने ये प्रॉफिट निकाल रहा हूँ 100 करोड़, पर मैं हूँ कंपनी, मुझे पता है यार ये प्रॉफिट गलत आ रहा है। गलत आ रहा है मतलब मुझे ये एफएलएम मेथड है ना जमता नहीं है, क्योंकि ये मेथड में ना बहुत सारे है ना प्रॉब्लम्स हैं। मैंने कहा एफएलएम नहीं फॉलो करूँगा, मैं डब्ल्यूडीबी फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि डब्ल्यूडीबी फॉर्मेट में मेरा जो प्रॉफिट है वो एकदम सही निकलता है। मेरा इंटेंशन लोगों को उल्लू बनाना नहीं है, मेरा इंटेंशन है सही प्रॉफिट निकालना। क्या वो ज़्यादा है कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सही। तो मेरे को लगता है, मेरी ऑनेस्टी के हिसाब से WDV ज्यादा अच्छा मेथड है, भले ही प्रॉफिट ज्यादा कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा अच्छा मेथड है। मुझे अगर लग रहा है कि इससे मेरा प्रॉफिट ज्यादा सही आ रहा है तो मैं कर सकता हूं। रीजन देना पड़ेगा मुझे ऑडिटर को कि मैं क्यों चेंज कर रहा हूं, ऐसे नहीं हवाबाजी करूं लो चेंज कर रहा हूं। अरे नहीं भाई साहब, रीजन देना पड़ेगा। तो अगर मुझे लग रहा है ये, और इफ द एंटरप्राइज इट मस्ट डिस्क्लोज द चेंज, अगर ये एंटरप्राइज चेंज कर रही है एक साल से दूसरे साल में चेंज कर रही है, तो कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को बताना पड़ेगा कि भैया मैं चेंज कर रहा हूं और उससे मेरा प्रॉफिट 100 से मेरा अगर मैं ये सेम फॉलो करता हूं तो 90 आता है, पर अगर मैं मेथड चेंज करता हूं तो 120 आता है, तो 90 से मेरा 120 प्रॉफिट सिर्फ मेथड चेंज करने से बना, क्या इंपैक्ट आए? क्योंकि मैं लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि लोग जज कर सके हाँ भैया कि ये है, और फिर वो मेरे पे पैसा लगाए नहीं लगाए वो उनकी बात है। क्लियर है? लेट्स टेस्ट आवर सेल्फ। टेस्ट करो ना, नीचे आंसर दो, मेरा वेट मत करो आंसर बताने का, नीचे लिखो फटाफट, पॉज करो लिखो आंसर। लेस डेप्रिफिकेशन मैटर, वन सप्लाई शुड बी एडोप्टेड शुड बी बे, हर साल अप्लाई करना है, किस पे बेस है? कंसिस्टेंसी। बट ऑब्वियस हर साल अप्लाई करो ना एक ही, तो कंसिस्टेंसी हो गया। दूसरा, कंपनी कैन चेंज इफ द इफ लॉ रिक्वायर द चेंज विल रिजल्ट इन मोर मीनिंगफुल इफ एंटरप्राइज एडोप इट मस्ट डिस्क्लोज दिस। यस, तीनों सही है, एक ये तीन, तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, चलो अब आ गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, ये दुनिया की सब कंपनी फॉलो करती है, मैं बोलूं 100% कंपनी फॉलो करती है। एक्रुअल कंसेप्ट, एक्रुअल कंसेप्ट क्या बोलता है? बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। देखो, एक्रुअल कंसेप्ट बोलता है द ट्रांजैक्शन हैव टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज डन। तो नहीं समझ में आया, ऊपर से निकल गया। अरे मैं बैठा हूं ना आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हो? इन एक्रुअल कंसेप्ट द रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन द सेल्स आर मेड और सर्विस आर रेंडर्ड एंड इट इज इमटेरियल, क्या वो कैश मिला हो या नहीं मिला हो। मतलब चलो मैं एग्जांपल देता हूं, मैं एक कंपनी हूं रिलायबल पेन लिमिटेड, मैंने सपोज रिलायबल शर्ट लिमिटेड, एग्जांपल चेंज करते हैं, शर्ट बनाता हूं मैं मस्त, मैंने एक शर्ट बेचा 31 मार्च को बेचा, मेरी अकाउंटिंग जो पीरियड है अकाउंटिंग जो मेरा पीरियड है ये मेरा पीरियड है, तो मेरा स्टार्ट होता है 1/4, ये कब की है, ये 1/4/23 को स्टार्ट होता है, और सॉरी 22 को होता है, और 31/3/2023 को ख़त्म होता है, ठीक है ना। अब मैंने एक शर्ट बेचा एक पर्सन को 5,000 रुपये का, कब बेचा, 27 मार्च को बेचा। एक बात बताओ, मैंने शर्ट कब बेचा, 27 मार्च को बेचा। तो मैं अपनी बुक्स में अगर मुझे गवर्नमेंट पूछेगी चलो बताओ इस साल की तुम्हारी इनकम कितनी है या तुमने कितना रिवेन्यू किया, तो क्या ये मैं 5,000 रुपये इंक्लूड करूंगा या नहीं करूंगा? अरे करूंगा सर। क्यों इंक्लूड करोगे? क्योंकि मेरा इस साल बिक गया। सुनो, मुझे इसका पैसा 5 अप्रैल को आया, मैंने शर्ट तो यहाँ बेची,
पैसा मुझे 5 अप्रैल को आया, यहाँ पे मुझे पैसा मिला, यहाँ मुझे कैश मिला, मतलब मैंने भाई साहब जी को शर्ट बेच दिया 27 मार्च को, पैसा मुझे कब आया 5 अप्रैल को। अरे पैसा कब आया, पैसा कभी भी आया मुझे क्या मतलब है, मैंने शर्ट कब बेचा, मैंने शर्ट इस साल बेचा तो जो मैं शर्ट मैं अपनी इनकम अपनी रिवेन्यू जो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा वो इस साल करूंगा, अगले साल नहीं करूंगा। कैश कभी भी आया है, कैश साल भर बाद आया, 6 महीने बाद आया, 2 साल बाद आया, इस साल देखो ना जब जब मेरा शर्ट बिक गया तब रिकॉर्ड करूंगा। तो इस कंडीशन के हिसाब से मेरा शर्ट 27 मार्च को बिक गया, पैसे आए नहीं आए इमेटीरियल, यहाँ पे वही बोल रहा है इन एक्यूरल द रिवेन्यू रिकॉर्डेड व्हेन द सेल्स आर मेड और सर्विस आर रेंडर्ड एंड इट इज इमेटीरियल, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको कैश मिला हो या नहीं मिला हो, डील हो गई, पैसा आपने सामान बेच दिया, खत्म, पैसा आया 2 दिन बाद आया, 2 महीने बाद आया, आप जब सामान बेचोगे तब आप अपनी इनकम रिकॉर्ड करोगे। मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा इस साल मेरा 5,000 का सामान बेचा, ये नहीं बोलूंगा कि मेरा 0 सामान बिका, नहीं मेरा ये सामान बिका है, ये इंक्लूड इस साल होगा, अगले साल नहीं होगा, अगले साल कैश की ट्रांजेक्शन नहीं होगी, अगले साल सिर्फ कैश मिला उसकी होगी एंट्री होगी, बट सामान जो इनकम हो वो मेरी इसी साल आएगी। अच्छा सर एक और एग्जाम्पल बताओ, एक्सपेंस का एग्जाम्पल बताओ, चलो एक्सपेंस में मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया इस साल, मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया इस साल, कब हायर किया 1 अप्रैल को। चलो 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 एक काम करता हूँ, आपको मैं एक्सपर्ट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, आपकी एक्सपर्ट बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी क्या जिम्मेदारी है, मेरे सारे वीडियो देख डालो। अरे मुझे ना सिर्फ आप चाहते, मैं आपको अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनाना चाहता हूँ, ठीक है ना, मुझे पता है YouTube पूरा व्यूज़ का गेम है, ज़्यादा व्यूज़ देखेंगे ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, बट मेरा वो इंटेंशन तो चलो होता ही है, पर मेरा आप देख लो, आप लाइक जरूर कर लो, एक लाइक मेरे को आपको क्या जाएगा, मेरे को बहुत खुशी मिलती है, तो डू लाइक एंड यार सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। चलो चलो देखते हैं, रिलायबल एक एम्प्लॉय हायर करता है 1 अप्रैल को, ओके कितने लाख रुपये सैलरी में, 6 लाख, एक एम्प्लॉय हायर किया 6 लाख रुपए में, ये एम्प्लॉय को हायर किया एचआर ने 6 लाख, वो बोलता है इस साल मैंने सिर्फ उसको, उसने पूरे साल मेहनत जम के काम किया, पूरे साल उसने जम के काम किया, और उसकी पूरे साल की सैलरी कितनी होती है 6 लाख रुपए होती है, पर मैंने पता है क्या किया, उसको है ना सिर्फ 4 लाख रुपए ही दिए, इस साल की सैलरी के मैंने 4 लाख रुपए कैश दिया, क्या दिया कैश दिया, पर बाकी का क्या किया, बाकी का मैंने उसको 1.5 लाख रुपए यहाँ पे कर दिया। एक मिनट मैं फोन पहले हटा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा और आसानी हो, ये मेरा 1422 ये मेरा 31323 फिर ये मेरा अगला साल 31324, ठीक है ना, मैंने इस साल एक एम्प्लॉय हायर किया और यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने मेरे यहाँ पे 12 महीने काम किया, तो 12 महीने की जो सैलरी होती है वो होती है 6 लाख रुपए, क्या होती है 6 लाख रुपए, पर मैंने उसको जो इस साल मात्र 4 लाख रुपए पे किया है। एक बात बताओ, अगर इस साल मुझे कोई पूछेगा कि मैंने एम्प्लॉय मेरा खर्चा कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा, 6 लाख या 4 लाख, जो बच्चे बोल रहे हैं ना 4 लाख उनको बता देता हूँ, देखो 4 लाख खर्चा नहीं है मेरे यहाँ पे, पूरे साल भर उस एम्प्लॉय ने काम कर लिया 12 महीने, भले ही मैंने उसको अभी 4 लाख दिए, 2 लाख बाद में देने पड़ेंगे ना भाई साहब, मेरा चाचा काका तोरी है कि मैं उसको पैसे नहीं दूंगा, अरे वो मेरे पे केस ठोक देगा, तो भैया मेरा 6 लाख का मेरा खर्चा हो चुका है, एम्प्लॉय ने 12 महीने काम किया, बस नक्की मुझे उसको 12 महीने का पैसा देना है, मैंने पैसा कितना दिया 4 लाख, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 रुपए दो या 4 लाख दो या 5 लाख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा कितना है मेरा, सैलरी कितनी है, 12 महीने काम किया ना 6 लाख रुपये सैलरी है, मैंने 4 लाख पे किया उससे कोई मटेरियल नहीं, वो बोल रहे आपने 1,50,000 आपने यहाँ पे किया, 1,50,000 आपने यहाँ पे कैश पे किया और उसके और बाकी के 50,000 अभी तक पे नहीं किए, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा आप कितना रिकॉग्नाइज करोगे, आप 31 मार्च 2023 तक आप रिकॉग्नाइज करोगे इस साल खर्चा मेरा 6 लाख है, मैंने पे किया नहीं किया इमेटीरियल है, एक्यूरल बोलता है आपने सर्विस ले ली ना पैसा ड्यू है, खत्म बात, आपको खर्चा 6 लाख है, इनकम टैक्स पूछेगा कितना खर्चा है, बोलूंगा भाई साहब 6 लाख खर्चा है, तो 6 लाख इज माई एक्सपेंडिचर, क्लियर है, तो एक्यूरल कंसेप्ट यही बोलता है, देखो ये मैंने लिखा हुआ है एक्सपेंसिव रिकॉग्नाइज व्हेन व्हिच हेल्प अर्न द रेवेन्यू वेदर कैश इज पेड और नॉट इट इज इमेटीरियल, क्लियर है, चलो ये समझ में आ गया। चलो अब एक काम करते हैं, लेट्स टेस्ट आवरसेल्फ, बताओ चलो एज पर इफ एंटरप्राइज सोल्ड गुड्स फॉर 50,000 29th मार्च,
और कैश मिला 5 अप्रैल को। अरे मुझे क्या करना, कैश कभी भी मिले, वो बोलता है कि देन कितना रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा मैं, कितना रिकॉग्नाइज, मैं 50,000 करूंगा या कितना करूंगा। देखो मैंने सामान बेचा, देखो सिंपल सी बात है, मैंने सामान बेचा 29th मार्च को बेचा, ठीक है ना। हाँ तो 21/4/21, 31/3/22, 31/3/23 मैंने सामान बेचा 50,000 का 29th मार्च को, यहाँ बेचा, ठीक है ना। मैंने कितने का सामान बेचा, 50,000 का। तो भैया जब मैंने सामान बेच दिया 50,000 का, तो इस बार 50,000 रिकॉग्नाइज कर लूँगा, खत्म बात। तो 50,000 इज आंसर, तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा, सी तो नहीं होगा। अच्छा मैं ये 50,000 कौन से साल में रिकॉग्नाइज करूँगा, 21/22 में करूँगा ना, 21। मुझे पैसा 30,000 रुपये मिला, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसा कभी भी मिले। मैंने कब बेचा, मैं 29 मार्च को बेचाना, तो मेरी जो इनकम है 21/22 में आ जानी चाहिए थी। तो 21/22 फाइनेंशियल ईयर, तो मेरी आंसर हो गया डी, मेरी टोटल इनकम होती है 50,000, मेरा सामान इस साल बिका, तो इस साल रिकॉग्नाइज करूंगा, पैसा कभी भी मिले मुझे कोई मतलब नहीं है, सामान कब बेचा, यहाँ क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। एज पर एग्रीकल्चर कंसर्न एंटरप्राइज सोल्ड गुड्स एंड कैश रिसीव, एक बात बताओ, ये आप बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, नीचे मैं पिन कमेंट पे आंसर लिख दूंगा, ये नीचे का आंसर बताओ, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताओ यार। अरे आपका एक मिनट जाएगा, आप सोचोगे कि सर ये पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, अरे यार आप मेरी मत करो, आप अपनी प्रैक्टिस करो ना, मेरे पे छोड़ दो, मैं पढ़ू नहीं पढ़ू उससे आपको क्या मतलब है, आप तो अपनी प्रैक्टिस करो, आप अपने ऑसम रहो ना अकाउंट्स के अंदर, बस यही तो करना है। ओके ओके समझ में आ गया। तो मैं आपको आपको तीन अकाउंटिंग प्रिंसिपल बता दिए, कौन कौन से, एक आपको बता दिया गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा एक्यूरल, ये तीनों हर कंपनी फॉलो करेगी ही करेगी, ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा अदर अकाउंटिंग एजम्पशन। भाई आपको मैंने अभी तक क्या क्या बता दिए, ये तीन बता दिए। अब मैं आपको अगले लेक्चर में इन्फो स्टार्ट करूंगा, ये टोटल 6 लेक्चर्स की सीरीज है, लेक्चर नंबर 2 है, नीचे प्लेलिस्ट पे लिंक है ना, लिंक पे क्लिक करो और लाइक करो एंड यस रो सब्सक्राइब करो, सो दैट आपको ये वीडियोस आते रहे। तो यस आपसे बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप है ना कि लेक्चर लाइक जरूर कर दो, एक लाइक एक सब्सक्राइब इतना बोल रहा हूँ कर लो अगर अच्छा लगा तो। एंड यस मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब दिया हुआ है, लिंक ज्वाइन कर लेना, akkaofer.com पे जाओ, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हुए हैं, लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो। यस डू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद अदर अकाउंटिंग एजम्पशन, टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।